नमस्कार बच्चों, मैं सुधांशु आप सभी का इनोवेशन क्लासेज के एप्लीकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हम सभी लोग यहाँ पे यूपीएसआई बैच में पढ़ रहे हैं। बेटा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में हम पढ़ा रहे हैं आपको परीक्षा के अंकों से आधारित प्रश्न, परीक्षा के अंकों पर आधारित प्रश्न। ये चीज मैं आपको पढ़ा रहा था। इसमें कल मैंने एक सवाल करवाया था, डेविएशन मेथड तक हम लोग पहुंचे थे। एक बार सब लोग लाइव जुड़ जाइए फटाफट, मैं तब स्टार्ट करता हूँ। सब लोग सही सलामत लाइव आ जाइए भाई, 2 मिनट का समय मैं आपको देता हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाइव तत्काल नहीं आ पाते हैं। तो चलिए आप सभी लोग लाइव जुड़ जाइए बच्चे, सब लोग लाइव आ जाइए फटाफट, सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे। हाँ भाई आ गए बच्चे हमारे, वीर बहादुर वर्मा जी गुड इवनिंग भाई, दुर्गेश रत्नेश इंद्रजीत सर्वेश गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए आज बेन डायग्राम, हाँ आज बेन डायग्राम की बात होगी हम लोगों की। आइए स्टार्ट स्टार्ट करते हैं सर, क्वेश्चन लगाइएगा। कल का आखिरी सवाल जो था वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। हाँ कल वाला आखिरी वाला सवाल एक बार दिखा दीजिए बच्चों को भाई। लाइव सब लोग आते नहीं, जितने लोग हो मैक्सिमम लाइव आइए तो ज्यादा पढ़ाई का मजा है। क्योंकि ये समझ लीजिए मैं गारंटी के साथ स्टाम्प पेपर पे लिख दूंगा, जो लाइव नहीं ले रहा है वो आज नहीं कल सोचेगा देखेंगे, फिर कल को 2 वीडियो हो जाएगी, फिर वो सोचेगा यार परसों देखते हैं। इस तरह से जब 4-5 वीडियो हो जाती है ना तो देखने का मन नहीं करता, फिर भगा के देखोगे, 2 नंबर पे करके देखोगे, 2 नंबर पे करके देखोगे, पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो इस वजह से लाइव क्लास लेना बहुत जरूरी है मेरे बच्चों। जो लोग नहीं लाइव है वो वीडियो जब देखेंगे तो अगली बार लाइव आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेन डायग्राम का सवाल, यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की क्लास होगी वेन डायग्राम वाले सवालों के साथ। ओके स्टार्ट। वेन डायग्राम वाले सवालों के साथ आज हम लोग शुरुआत करेंगे। परीक्षा में आखिरी ये टाइप है वेन डायग्राम वाला। देखो एकदम टाइप वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कुछ छूटेगा नहीं चाहे जहां से आप लगाओ, ठीक है बच्चे। तो देखो आपका सवाल जो बोर्ड पे लगा है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों में से 52% अंग्रेजी में फेल हुए, 42% गणित में, तदनुसार दोनों विषयों में 17% अगर फेल हुए हों तो दोनों विषयों में पास का परसेंटेज बताइए। तो देखिए होता क्या है बच्चे, एक चीज आप जान लीजिए, पहले तो मैं बेसिक बताता हूं मैथ्स में फेल, इसका बेसिक तरीका भी है आप उससे भी बना सकते हैं। मैथ्स में फेल बोला, मैथ में 52% फेल है, और सॉरी ये अंग्रेजी के फेल हैं भाई, अंग्रेजी के। इंग्लिश में फेल हैं हमारे पास, इंग्लिश में जो फेल हैं बच्चे वो 52 है। मैथ्स में जो फेल हैं वो है 42, और जो दोनों में फेल हैं कॉमन ओवरऑल दोनों में फेल ये 17 है। आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों में पास कितने हैं, दोनों में पास, ये आपका सवाल है। तो मैं पहले आपको बेसिक तरीका बताना चाहूंगा। पहले देखिए बुद्धि आप लगाइए, दोनों में पास कौन होगा, पहले ये बताओ दोनों में पास कौन होगा। तो आप कहोगे सर दोनों में पास वो होगा, कौन होगा भाई, जो ना मैथ में फेल हुआ हो, जो ना मैथ में फेल हुआ हो। मैथ में अगर फेल हो जाएगा तो बच्चा क्या दोनों में पास कहलाएगा? नहीं। फिर आप कहोगे सर ना अंग्रेजी में फेल हुआ हो, मतलब अंग्रेजी में भी फेल ना हो, तब भी हम दोनों में पास मान लेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे सर दोनों में भी फेल नहीं हुआ हो, क्योंकि अगर दोनों में फेल रहेगा तो दोनों में पास कहने की कोई बात ही नहीं उठती है। तो मुझे पहले ये कलेक्ट कर देना चाहिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फेल हैं, चाहे वो मैथ में फेल हैं तो भी हम उनको दोनों में पास नहीं ले पाएंगे कि ले लेंगे। जो इंग्लिश में फेल है क्या हम उनको दोनों में पास कह पाएंगे? नहीं। जो दोनों में फेल है क्या हम उनको दोनों में पास कह पाएंगे? नहीं। कहने का मतलब यह है कि जो बच्चे आपके कहीं ना कहीं फेल हैं, पहले कुल फेल बटोर लो, इकट्ठा घमंजा कर लो, कहीं फेल होगे बेटा उठा लेंगे, कहीं भी फेल होगे उठा लेंगे, क्योंकि अगर आप कहीं भी फेल होंगे तो दोनों में पास नहीं कहलाएंगे। तो टोटल फेल निकालने का तरीका होता है देखिए कि दोनों को आप मैथ और अंग्रेजी वालों को जोड़ दीजिए। तो मैथ और अंग्रेजी वालों को अगर आपने जोड़ दिया उठा करके, देखिए इनको तो मैंने जोड़ दिया, लेकिन ये जो 17 है भाई साहब ना, ये 17% जब पूछा गया कि इंग्लिश में कितने फेल है तब वो ही हाथ उठाया था 17% वाला लड़का, और जब पूछा गया भाई साहब मैथ में कितने फेल हैं तब भी ये हाथ उठाया था। तो यानी कि ये 17% एक बार यहां भी अपना नाम लिखवा के बैठा, एक बार यहां भी लिखवा के बैठा, और हमको इससे नहीं मतलब बेटवा तू कै विषय में फेल हो, एक को में फेल हो जाओगे तो हम दोनों में पास नहीं रख पाएंगे। यानी कि ये जो है चाहे यहां अपना नाम लिखवा ले तो भी फेल की कैटेगरी में चला जाएगा, यहां नाम लिखवा ले
तो भी फेल की कैटेगरी में चला जाएगा, लेकिन ये दोनों जगह नाम लिखवाने की कोशिश कर रहा, तो अगर ये दोनों में इंक्लूड है तो एक जगह रहने दो, लेकिन एक जगह से क्या कर दो, बाहर कर दो भाई, फेल हमें चाहिए। आप दो में फेल हैं या एक में फेल हैं इससे मतलब नहीं है। तो ये 17 लोग दोनों में हाथ उठाए थे, तो एक जगह रखिए, एक जगह से इनको बाहर कर दीजिए, तो ये टोटल फेल आ जाएगा बच्चों। दो दो चार, पांच चार नौ, चौरानवे माइनस 17, 14 में से 7 जाएगा, 77% ओवरऑल फेल हैं। फेल का मतलब चाहे वो मैथ में फेल हैं, चाहे वो अंग्रेजी में फेल हैं, चाहे वो दोनों में फेल हैं, मतलब इतना फेल हैं। तो भाई साहब टोटल 100 होता है, तो अगर इतने लोग कहीं ना कहीं फेल हैं, इसका मतलब जो बाकी लोग होंगे वो दोनों में क्या है, पास हैं। दोनों में पास का मतलब 100 में से 77 निकाल लीजिए, 100 में से 77 निकाल देंगे तो 23% हमारा जो होगा वो दोनों में क्या होगा, पास। तो तरीका ये होता है कि डाटा आपका जो ये है, ध्यान दीजिएगा, इस मेथड के लिए सारा डाटा सेम होना चाहिए। दो अलग अलग डाटा को जोड़ के कॉमन निकाल देते हैं, तो अगर ये फेल का डाटा दिया है तो पहले टोटल फेल आ जाएगा, टोटल फेल आपका 77% हो गया। यानी कि टोटल का मतलब मेरा ये है कि चाहे मैथ में फेल है, चाहे अंग्रेजी में फेल है, चाहे दोनों में फेल है, ठीक है, तो 77% कहीं ना कहीं फेल है। तो बाकी बचे कितने साफ सुथरे हैं, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा है, वो कितने हैं, 23। यानी कि 23% के ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई दाग का मतलब ये दोनों में क्या है, पास। मेथड नंबर वन हो गया, ठीक है। अब ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी मेथड नंबर वन, लेकिन मैं बताऊंगा मेथड नंबर टू। देखिए होता क्या है कि एक मेथड होता है वेन डायग्राम, आप लोग रीजनिंग में भी पढ़ते हैं, वेन डायग्राम में ये होता है, दो गोले बनाते हैं, दोनों एक दूसरे को जहां काट रहे होते हैं ये क्षेत्र कॉमन होता है जिसपे दोनों का अधिकार होता है। तो पहला गोला मैं इंग्लिश के नाम रख देता हूं बच्चे, और दूसरा गोला मैं रख देता हूं मैथमेटिक्स के नाम, ठीक है। और एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि ओवरऑल 100% होता है, एक ऐसे आप बना लीजिएगा जिसमें टोटल आपका 100%, यानी कि ये टोटल वैल्यू कितने परसेंट है, 100। अब इसमें देखिए भरा कैसे जाता है, सबसे पहले दोनों में फेल भरेंगे, तो दोनों में फेल जो कॉमन क्षेत्र है वो दोनों का है, तो दोनों में फेल हमारे पास कितने परसेंट है, 17। तो 17% हम दोनों के एरिया में भर देते हैं, इस पे इंग्लिश का भी अधिकार है और इस पे मैथ का भी अधिकार है। अब पता चला मैथ्स में फेल कितने हैं, तो बच्चों ये बताया गया सवाल में कि मैथ्स में फेल जो है वो 42, और सवाल में यह बताया जा रहा है कि इंग्लिश में फेल जो हमारे पास है वो इंग्लिश में फेल हमारे पास कितने हैं, 52। तो इंग्लिश वाले गोले में 52% फेलियर भरना है, लेकिन ध्यान देना बच्चे इंग्लिश वाले में 52 भरना है। ये देखिए ये इंग्लिश का गोला है, और अगर ये इंग्लिश का गोला है तो इसमें ऑलरेडी हमें 52 भरना है, ऑलरेडी हमें 17 दिखाई पड़ रहा है इस गोले में, तो 52 में से 17 निकाल देंगे। अब आपके पास कितना बचेगा, 35 भाई, 52 में से 17 निकालेंगे तो 35, इस गोला में 52 ही भरना है। अच्छा दूसरे वाले मैथ वाले गोले में कितना भरना बच्चों, तो दूसरे वाले में हमें 42 भरना है, 42 में से हम ये देख रहे हैं कि इस गोले में 17 आ चुका है, अगर ये 17 आ चुका है तो 17 घटा के हम भरेंगे, यानी कि अब हमारे पास बनेगा 25। तो ये 25 हो गया, ये 17 हो गया, ये 35, तो 35 5 40 20 60 10 70 77 हो गया। ओवरऑल हमें कितना भरना होता है, 100, तो 100 में से 77 भर गया तो बचा कितना, 23, और 23 जो है वो फेल वाले से बाहर है क्योंकि ये गोले फेल के बने हुए हैं, तो टोटल 100 होता है, 100 में से ये 77% कहीं ना कहीं फेल हैं, तो बाकी 23% फेल वाले गोले से बाहर है, और जो फेल वाले गोले से बाहर वही क्या है, दोनों में पास, ठीक है। तो यानी कि आप यहां पे वेन डायग्राम में यहां भी वही मसला है, कुल फेल अगर आप देखते हैं तो यहां से 35%, अभी कई बात समझाऊंगा, जल्दी आना नहीं, बिल्कुल जल्दी आना नहीं, एक सवाल में टाइम लूंगा बच्चे, ये आपका हो जाएगा 77% हो जाएगा, कुल फेल हो जाएंगे, तो बाकी 100% होता है टोटल, तो दोनों में जो पास हो जाएंगे वो हो जाएंगे 100 में से 77 आप निकाल लीजिएगा, ये आ जाएगा 23%, तो ये आपका जवाब आ जाएगा 23%, ठीक है। एक बात और बताना चाहूंगा, कभी कभी पूछता है सिर्फ इंग्लिश में फेल कितने हैं, सिर्फ इंग्लिश में फेल, एक के साथ कई सवाल फ्री लेके आ रहा हूं, सिर्फ इंग्लिश में फेल, अगर आपसे यह पूछ लेता है कि सिर्फ इंग्लिश में फेल कितने हैं, सिर्फ का मतलब यह है कि केवल केवल अंग्रेजी में फेल हो, तो देखिए ये 52% तो अंग्रेजी में फेल हैं, 52% तो अंग्रेजी में फेल हैं, लेकिन उसमें से 17% मैथ में भी फेल है। तो सिर्फ अगर अंग्रेजी की बात किया जाएगा तो सिर्फ अंग्रेजी वाला गोला यहां से लेकर के यहां तक है, ये गोला केवल अंग्रेजी वाला मैटर दिखाएगा, ठीक है। तो केवल अंग्रेजी वाला कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा। अगर केवल मैथ की बात करें तो इतना साफ सुथरा ये गोला जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये केवल मैथ में फेल है,
केवल मैथ में फेल हैं। देखते रहना, केवल मैथ में फेल 25। अब देखो, कभी कभी पूछ लेता है कि केवल एक विषय में फेल, केवल एक विषय में यानी कि एक सब्जेक्ट में फेल। देखते रहना बच्चों, केवल एक विषय में फेल बेटा। तो केवल एक विषय का मतलब बोले तो अगर कोई लड़का सिर्फ अंग्रेजी में फेल है तो वो भी अपने आप को एक ही विषय में फेल कह रहा होगा, और जो मैथ में सिर्फ फेल है वो भी ये रोना रो रहा है कि साहब हम सिर्फ मैथम फेल हैं, यानी कि वो सिर्फ मैथ में फेल, मतलब वो भी एक ही विषय में फेल है। तो इतने 35% लोग जो सिर्फ अंग्रेजी में फेल है वो भी एक विषय का फेलियर है, और जो 25% यहां फेल है वो भी एक विषय का फेलियर है, यानी कि हमारे पास एक विषय में कितने परसेंट लोग गिरे हैं, 60%। और सुनिए आखिरी सवाल, केवल एक विषय में पास, केवल एक विषय में पास, ये खतरनाक सवाल होता है। केवल एक विषय में, एक सब्जेक्ट में पास, तो बच्चों एक सब्जेक्ट में पास की अगर बात करें, सुनिए देखिए होता क्या है कि जो 35% लड़का, मेरी बात को यहां ध्यान से देखिएगा, वाइस वर्सा मैं उल्टा बोलने जा रहा हूं, जो 35% लड़का सिर्फ सिर्फ अंग्रेजी में फेल है, सिर्फ ध्यान दीजिएगा मेरी वर्डिंग का, जो 35% बच्चा सिर्फ अंग्रेजी में फेल है वो निश्चित तौर पे मैथ में क्या होगा? अरे बोलता है भैया सिक्का उछाले, दो ही पॉसिबिलिटी है, 10 बार हेड आया तो हम क्या कहेंगे, 10 बार टेल? नहीं आया, जब दो ही संभावना है। तो ये 35% अगर केवल अंग्रेजी में फेल है भैया, तो ये मैथवा में क्या होंगे, पास होंगे, यानी कि यही 35% जो होंगे वो मैथ में पास होंगे। और ये 25% कह रहे हैं खाली हम मैथ में फेल हैं, यानी कि यही लोग 25% अंग्रेजी में पास होंगे, यानी कि 60% जो होंगे वो एक विषय में क्या होंगे, पास होंगे। और सीधी सी बात समझ लीजिए, अगर 60% बच्चे केवल एक विषय में फेल है, केवल एक का मतलब वो या तो मैथ में फेल है या तो अंग्रेजी में, तो इसका मतलब वही बच्चे अगले वाले दूसरे विषय में क्या होंगे, पास होंगे। अगर केवल एक में फेल का मतलब ये हुआ कि अगले विषय में वो बंदा क्या होगा, पास होगा, यानी कि केवल एक में जितने फेल है वही उतने केवल एक में क्या है, पास है। तो इतने सवाल यहां से निकल रहे हैं, आपके कमेंट में यहां पर देखना चाहूंगा। चलिए 60% बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है। एक के साथ मैंने कई सवाल करवा रखे हैं आपको, आप देख पा रहे होंगे यहां पे, इसको आप कॉपी बना के बढ़िया से लिख लीजिएगा। पूरा गोला 100% माना जाता है, ठीक है। अगर फेल का गोला बनाएं तो बाहर पास भरा जाएगा, और अगर पास का गोला बनाएं तो बाहर क्या होगा, फेल भरा जाएगा। यह बात आपको समझना है, ठीक है। एक बार कमेंट करेंगे, समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट कर दीजिए तो अच्छा लगेगा। हाँ चलिए सब लोग बोलिए, ठीक है बहुत बढ़िया। 360p पे देखिए सब लोग जो है, और जो लाइनिंग है जहां से क्वालिटी बदलते हैं उसको 360 पे करके छोड़ दिया करिए, उसको फिर अंदर ना किया करिए लाइन, ठीक है। देखते रहा करिए, क्वालिटी आगे पीछे हो तो फिर से कर दीजिए। वैसे मैं अपडेट करवाने वाला हूं, सिर्फ 360 पे ही करवा दूंगा, बाकी सब हटवा दूंगा। यहां से डाटा की प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो वो सब सही हो जाएगा। देखो नया एप्लीकेशन है, थोड़े बहुत इश्यूज रहते हैं सबके एप्लीकेशन में, बाकी क्लासेज आपकी चल रही है अच्छे से, ये आप देखते रहिए। जो कमियां हैं वो मैं दूर कर रहा हूं धीरे धीरे करके, टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा टाइम लगता बच्चा, ठीक आ रहा बहुत अच्छे से, ठीक है बहुत बढ़िया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लगा हुआ है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ, अब मैं सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा बेटा, ठीक है, सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम से ज्यादा मजा आएगा। यार इसमें इंक भरने का देखिए सर कोई मजा नहीं है, ये हो गया बर्बाद। भरे थे इसमें क्या आप इंक? नहीं भरे थे, ये बर्बाद है। वहां से मार्कर आप सर ले आइए ऑफिस से, नया वाला उठा लाइए, इंक ना भरिए, इंक बर्बाद होती। आप देखिए अगला सवाल बच्चों, यहां पे देखिए सवाल लगा हुआ है, ओवरऑल 100% होता है, गोला बनाओ, 34% गणित में फेल और 42% अंग्रेजी। एक मैथ और एक अंग्रेजी, ये फेल के गोले हैं, और दोनों विषयों में पास होने वाली परीक्षार्थियों की संख्या बताइए। अरे यार इसमें भी हमें लगता मिस हो गया,
सवाल, कोई बात नहीं, मैं सही कराता हूं। 34% गणित में फेल हुए और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। मान लीजिए आपका 20% दोनों में फेल हुए, 20% सपोज दैट, इसमें सवाल में बढ़ा लीजिए, दोनों विषयों में पास होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या, तो आप ये बना लीजिए कि 34% परीक्षार्थी गणित में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में फेल हुए, तो दोनों विषयों में पास होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे एक डाटा आप बना लीजिएगा कि 20% दोनों में फेल हुए, सवाल को करेक्ट कर लीजिएगा, 20% दोनों में फेल। तो 20% यहां भर दीजिए दोनों में फेल, ठीक है। और इसके अलावा 34% इसमें है, तो बचा हमारे पास 14%, और यहां पे आपके पास 42 है, तो 42 में से 20 निकाल देंगे, 22 हो जाएगा। तो टोटल आपके जो फेल हो जाएंगे, टोटल फेल हो जाएंगे ये 2, 4, 6 हो जाएगा, और 2, 2, 4, 1, 5, ठीक है। 56% कहीं ना कहीं फेल है, तो दोनों में पास 100 में से घटा दीजिए, दोनों में पास 44, बाकी जो बचेगा वो दोनों में पास है, वो कितना है 44, 44%, ठीक है। उसको 20% बना लीजिएगा, ये 20% दोनों में फेल हुए, 20% दोनों में फेल हुए ये बना लीजिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन सी सही है, हाँ ऑप्शन सी राइट है, 44 बिल्कुल सही बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लगा हुआ, बच्चों सॉल्व करेंगे आप। लिखा है कि एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी इतिहास में उत्तीर्ण हुए तथा 55% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, यदि 5% दोनों में फेल हुए हों तो दोनों में उत्तीर्ण होने वाले का प्रतिशत क्या। देखिए यहां पर डाटा थोड़ा सा संभाल के चलना है, आपको सवाल में यह दिया है कि इतिहास में हिस्ट्री में 65% पास, हिस्ट्री में 65, हिंदी में 55, हिंदी में 55% है। आगे दिया है कि यदि 5% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों, दोनों में फेल, तो पूछता क्या है कि दोनों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछता है, दोनों विषयों में पास। एक चीज बता दूं कि देखिए यहां पे दो डाटा आपके जो दिए हैं, ये पास वाला डाटा है, ये पास का डाटा है, लेकिन ये डाटा जो है वो फेल का है। तो पहला मेथड मैं आपको बता दूं कि तीनों डाटा सेम कराने की जरूरत है, ठीक है। अगर पास का डाटा है तो सारा पास होना चाहिए, अगर फेल का डाटा है तो सारा फेल, यानी कि पूरे को या तो पास में कन्वर्ट कर दो या तो पूरे को किस में बदल दो, फेल में बदल दो। सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको मैं बेसिक तरीका भी अगर इसमें बताऊं तो दोनों में पास आपके ये 65 और 55 जोड़ देंगे तो 6, 5, 5, 10, 60, 50 हो जाएगा 110 और 10, 120, यानी कि 120% ओवरऑल पास हो जाएंगे। लेकिन अब इसमें से कॉमन अगर घटाना होता है तो कॉमन पास का ही घटेगा, तो कॉमन हमें फेल का दिया है, अगर हम यहां से इसका पास निकालें तो पास हमारे पास हो जाएगा 95%। तो टोटल पास अगर आपको निकालना है तो 120 में से 95 निकाल लीजिए, दोनों में से आपका जो कॉमन है उसको घटाइए, तो 10 में से 5 चला जाएगा 5 और 11 में से 9 चला जाएगा, आपका हो जाएगा 2, यानी कि 25% दोनों विषय में पास है। ये डायग्राम बनाए बिना आपका काम हो जाएगा, 25% यहां पे सही है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। लेकिन अगर वेन डायग्राम से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आइए डायग्राम की बात करते हैं, सुनिएगा बेटा। डायग्राम आप में जो बनेगा, डायग्राम आपका जो बनता है वो कॉमन के सहारे बनता, तो कॉमन किस में दिया है, फेल में, इसलिए डाटा बाकी सब फेल में बदल डालिए, ठीक है। इसका फेल अगर आप निकालेंगे तो इसका फेल जो बनेगा बच्चा वो 35% बनेगा, और हिंदी की अगर हम बात करें तो इसका फेल जो बनेगा वो हमारे 45% बनेगा, और कॉमन हमारा 5%। अब अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो कॉमन हम 5% को भर लेंगे, ये हिस्ट्री हो गया और ये हिंदी हो गया, बच्चा ध्यान से देखते रहना।
हमने 5% कॉमन फेल भर दिया हिस्ट्री में। देखिए अगर इस गोले में फेल भरे हैं बाबू लोग तो ध्यान रखना, अगर फेल भर गया है तो ये गोला फेले से भरा जाएगा। ऐसा नहीं कि इतना दूर फेल भर दो बाकी में पास भर दो, बस समझ रहे हो ना। एक गोला में अगर आग है तो आग रहेगा, पानी रहे तो पानी ही रहेगा, है ना। और आग पानी एक साथ रखने की कोशिश ना करना, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर फेल भरा है तो अभी गोला फेले से भरा जाएगा, ठीक है। तो फेल 35% होता है इसमें हिस्ट्री में, तो बचा हमारे पास कितना परसेंट, 30। और हिंदी में 45 होता है तो हमारे पास बचा 40। ओवरऑल हमारा 100% होना चाहिए। तो आइए बाकी देख लेते हैं बाहर। तो अंदर फेल वाले जो सिचुएशन में है, 30, 5, 35 और 40 कितना 75% फेल है, तो भैया बाकी बचा कितना 25%, ये दोनों में क्या है, पास। समझ रहे हैं, सीधे यही कर देंगे, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि ओवरऑल हमारा 100% होता है। तो अगर ये फेल वाले गोले में आपने पूरा पूरा उठा करके 40, 30, 70, 5, 75 भरा है, फेल में 75 भरा है, तो बाकी बाहर जाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा, 25%, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। तो कॉमन अगर आपने फेल भरा है तो ऑल डाटा आपको फेल में बना के ही भरना पड़ेगा। गोले में हमेशा समान राशियां भरी जाती हैं, कभी भी असमान राशि भरने की कोई भी नाकाम कोशिश नहीं करना है, ठीक है। चलिए भाई सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लगा हुआ है, सॉल्व करिए। ये मेरी वाली मोबाइल चार्ज पे लगा दीजिए सर, वो आप मुझे दे दिए अपनी, नहीं तो लिव लर्न वाला चल नहीं पाएगा। देखिए लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, 65% हिंदी बोल सकते हैं, यानी इन विद्यार्थियों में से 27% कोई भाषा नहीं बोल सकते। तो देखो यहां पे बोलने वाला जो बोला है अंग्रेजी बोलने वाले 70, इंग्लिश बोलने वाले 70, हिंदी बोलने वाले, इस सवाल में दिया है 65% और बोला है कि 27% कोई भाषा नहीं बोल सकते, कोई भाषा ना बोलने वाले। ये जो कॉमन है वो कितना परसेंट है, 27। आपसे पूछा क्या है, दोनों भाषा बोलने वाले। अगर आप डायग्राम नहीं बनाना चाहते हैं तो इस सवाल को कैसे लगा देंगे। तो बच्चों अगर आप डायग्राम नहीं बनाना चाहते हैं तो दोनों बोलने वाले को जोड़ के कॉमन भी बोलने वाला बना लीजिए और बोलने वाले को घटा दीजिए, आंसर 62 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो ये आपका 135 आ जाएगा, 135 में से ये 27 हटा करके 73 बना लीजिएगा, 100 में से घटाएंगे क्योंकि ये ना बोलने वाला, और बोलने वाले में बदलेंगे तो ये 73 हो जाएगा, घटाएंगे तो 62 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं डायग्राम की बात करता हूं तो डायग्राम यहां पे, डायग्राम में पहले कॉमन भरेंगे, ये है मान लीजिए इंग्लिश और ये है हिंदी। तो डायग्राम में पहले कॉमन भरेंगे और कॉमन ना बोलने वाला डाटा आपको सवाल में दिया है, कॉमन ना बोलने वाले कितने हैं, 27। तो ना बोलने वाला अगर इसमें भर दिया तो अब मजबूरन इस गोले में ना बोलने वाला ही भरना पड़ेगा। अब देखते हैं हिंदी सॉरी अंग्रेजी बोलने वाले 70 हैं तो ना बोलने वाले आप समझ पा रहे होंगे डायरेक्ट ये 30% है, अब बचा यहां पर 3, ठीक है। आपको पता है कि हिंदी बोलने वाले 65 है तो ना बोलने वाले आपके 35 बनेंगे, तो 35 में से 27 भर दिया कितना बचा, 8। ओवरऑल आपको पता है कि ये टोटल 100% बनना चाहिए। तो आ जाइए ये ना बोलने वालों का जो गोला है 27, 33, 8, 38, 38% ऐसे हैं जो जिनमें ये कमी है। कमी क्या है कि 27% मुंह नहीं खोल पाते हैं, 3% कहते हैं साहब हम हिंदी नहीं अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, 8% कहते हैं हम हिंदी नहीं बोल पाएंगे। तो भैया तुम अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे तो क्या हम तुम्हें दोनों बोलने वाले का तमगा दे देंगे, आए? नहीं देंगे ना। और आप 8% कहते हो हम हिंदी नहीं बोल पाएंगे, तो भैया आप हिंदी नहीं बोल पाएंगे तो हम आपको दोनों बोलने वाला तमगा पकड़ा देंगे। 27 करें हम कोनो भाषा नहीं जानते, हिंदी अंग्रेजी, हम तो अरबी फारसी बोलते हैं, तो 27% को का आप हिंदी अंग्रेजी वाला दोनों बोलने वाला मेडल पकड़ा देंगे, भैया ये कोनो नहीं बोल पा रहे हैं। तो इतने जो है ना ये बर्बाद हैं, इनके अंदर कोनो कमी है, इनके अंदर कोनो भाषा ने बोलने की एबिलिटी है, इनके अंदर हिंदी ने बोलने की एबिलिटी है, इनके अंदर अंग्रेजी नहीं बोलने की एबिलिटी है, तो ये 38% बर्बाद है, ये कभी भी दोनों वाले में नहीं जा सकते। तो भैया बिना कमी वाला कितना है, 62%, यानी कि दोनों भाषा बोलने वाला आपका आंसर आ जाएगा कितना परसेंट हो जाएगा, 62, ठीक है।
तो कोई ना कम से कम, मतलब जो आप ये देख लीजिए कि इतने लोग हैं जिनके अंदर कोई ना कोई कमी है, तो इन कमी वालों को हटाइए, बाकी जो बचेंगे वो साफ सुथरे हैं, 62% है जो दोनों भाषा बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, 62% होगा जो दोनों भाषा बोलेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, समझ में आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है बढ़िया से, मजे से आ रहा समझ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सभी लोग बढ़ेंगे। अब एक बात देखिए नई आपको मिलने वाली है कि ये 62% जो दोनों भाषा बोलने वाले हैं, इनकी संख्या आपको दे दिया जाए। सपोज डेट आप इस सवाल के, जो सवाल मैंने बताया है उसमें थोड़ी सी बात और मैं मेंशन करता हूं, अगर ये कहा जाए कि दोनों भाषा बोलने वाले, पिछले सवाल की बात मैं कर रहा हूं, अगर ये कहा जाता कि दोनों भाषा बोलने वाले आपसे कह दिया जाता, कुछ संख्या दे दिया जाता, जैसे 62% है, आपसे कह दिया जाता कि 248 लोग हैं, दोनों भाषा बोलने वाले कितने हैं, 248, तो कुल विद्यार्थी बताइए, तो आप कहते सर 62% जो दोनों भाषा बोलने वाले हैं वो 248 है, और टोटल 100% की अगर मैं बात करूं तो 248/62 गुणे कितना हो जाएगा 100, ये 4 बार पहाड़ा जाएगा, और ये टोटल नंबर आप स्टूडेंट यार पर्सन जो भी पूछा गया वो कितना हो जाता 400। अब अगला सवाल जो आपका दिख रहा है बोर्ड पे वो इसी मॉडल में आपका सवाल है, इस सवाल को आप बनाने की कोशिश करिए, आप खुद बनाइए अच्छे से आ जाएगा। देखिए लिखा है 75% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 60% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, लेकिन 25% दोनों में फेल हुए, 25% दोनों में फेल हुए, तो भैया अगर हम कॉमन भरेंगे तो वो 25% किसका भरेंगे? आप कहेंगे सर दोनों में फेल का भर रहे हैं, दोनों में फेल का भर रहे हैं, इसलिए गोले अब ये फेल के नाम चढ़ जाएंगे। पहला वाला गोला हमारा इंग्लिश का है बच्चे, पहला वाला गोला हमारा इंग्लिश का है, और दूसरा वाला गोला हमारा मैथ का, लेकिन ये गोले में अब फेल ही भरा जाएगा क्योंकि आपने 25% पहले फेल भर दिया है। अब अंग्रेजी में आपको डाटा जो दिया है वो इंग्लिश में पास दिया है, इंग्लिश में पास वाला डाटा दिया है, इंग्लिश में पास 75 दिया है, तो अगर आपसे फेल पूछा जाएगा तो आप फेल कितना कहेंगे 25%, और दूसरा जो मैथ में पास का डाटा दिया है ये सब मुझे लिखना नहीं चाहिए, ये वर्बली आपको देखना चाहिए 60 है, तो अगर आप मैथ में फेल का डाटा निकालेंगे तो मैथ में फेल कितने 40। ये हम फेल क्यों निकाल लें भैया? फेल इसलिए निकाल लें क्योंकि कॉमन हमारा किस में दिया? फेल में, और अगर कॉमन फेल में भर गया तो ये बिरादरी भरी जाएगी बच्चों, अगर ये 25 हो गया तो यहां पे हमें भरना है फेलियर, भरना है मैथ के फेलियर में 25 ही भरना है, सॉरी इंग्लिश के फेलियर में 25 ही भरना है, ध्यान देना, लेकिन इंग्लिश वाले गोले में ऑलरेडी 25 भरा जा चुका है, इसका मतलब अब यहां पे कुछ नहीं भरा जाएगा, कितना परसेंट भरा जाएगा 0। अरे ध्यान देना नहीं तो यहां कंफ्यूज हो जाओगे, हमें इंग्लिश वाले गोले में 25 भरना है लेकिन कॉमन ही 25 हो गया तो बाकी बचा क्या 0। अब मैथ वाले में हमें 40 फेलियर में भरना, 25 भर दिए तो 15 हो जाएगा, यानी कि 25-15 कुल मिलाकर के आपका हो जाएगा 40% जो कहीं ना कहीं फेल है। तो भैया अगर 40% कहीं ना कहीं फेल हैं तो बचे हमारे कितने परसेंट? 60% जो दोनों में पास हैं, और दोनों में पास की संख्या अगर आप देखते हैं तो 60% हो गया, बात समझ में आ रही है? दोनों में पास 60% हो गया, और वो 60% हमारा कितने के बराबर सवाल में दिया है आप सवाल में पढ़ लीजिए, तो दिया है कि दोनों में पास जो है वो 240 बच्चे हैं, तो कुल पूछा है 100% पूछा है, तो आप एक निकालेंगे तो 6 चौक 24 और गुणे 100 कर देंगे, ये आपका आ जाएगा कुल मिला के 400। तो टोटल नंबर आप स्टूडेंट यहां पे कितना आ जाएगा 400। सबको समझ में आ रहा है? 400 इज राइट आंसर, 400 इज राइट आंसर, 400 आपका सही है। ठीक है, हाँ, 400 ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैथ और इंग्लिश वाला कॉमन फेल का है, तो कॉमन अगर फेल है तो इंग्लिश में फेल भरना पड़ेगा 25, लेकिन 25 पहले से भरा है तो अब 0 भरा जाएगा। मैथ में अगर आप भरना चाहते हैं तो मैथ में आप देखिए फेल 40 है तो 15 भरेंगे, ओवरऑल फेल आपके 40 हो गए क्योंकि गोला जिसका बना वही पहले आएगा, गोला फेल का बना है तो पहले फेल आएगा, और अगर फेल आ गया तो पास की बात करें दोनों में 60% है, और 60% 240 है तो 100% हो जाएगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे आ रहा है, आ चुका है, आप उसको देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, इसको देखिएगा, आप बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए, वर्बली बनाइए, मुंह जबानी बनाइए, आप सभी लोग मुंह जबानी बनाइए। लिखा है कि
80% मैथ में पास, 70% अंग्रेजी में पास, लेकिन कॉमन 10% फेल है। तो कॉमन अगर फेल का दिया है तो पहले कॉमन है भरेंगे, 10% हो गया कॉमन फेल। ये गोला मैथ का हो गया बच्चे, ये गोला इंग्लिश का हो गया। अब एक बात बताना बेटा कि मैथ वाले में आपका पास 80 है तो फेल कितना बनेगा, 20, 20 में से 10 भर गया, थोड़ा फास्ट अप कैलकुलेशन करिए। अंग्रेजी वाले में 70 पास है तो फेल 30 होगा, बचा कितना है 20, ये ओवरऑल फेल का गोला बना है। तो फेल आपके हो गए 20, 10, 30, 40 फेल हो गए, 40 फेल हो गए तो दोनों में पास कितने हो जाएंगे, 60%। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा क्या? तो 60% जो दोनों में पास है वो 60% हमारे कितने के बराबर है, 144 है। तो 100% बच्चे हो जाएगा 144 बटे 60 और गुड़े में कितना 100, ये हो जाएगा आपका 6 × 2 = 12, 6 × 4 = 24, ओवरऑल 240 स्टूडेंट इज योर आंसर, 240 आपका आंसर आ जाएगा। 240 कितने लोग का आया, 240 कितने लोग का आ रहा, ऑप्शन नंबर ए, चलिए सबको समझ में आ रहा है 240। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैथ में आपको पास दिया है यार, पास से गोला नहीं भरा जाएगा, कॉमन फेल दिया था। तो मैथ में पास 80 है तो बच्चे आपको पता है कि फेल कितना हो जाएगा, 20। इंग्लिश में आपको भैया दिया है, इंग्लिश में आपको पास दिया है, कितना दिया है 70, तो आपका फेल हो जाएगा बाबू लोग कितना हो जाएगा 30। ये तो सबको समझ में आ रहा है ना, तो फेल आपको 30 भरना है, 10 भरा 20 यहां भरा जाएगा, 10 यहां, ये गोला फेल से है तो फेल हो जाएगा 20, 10, 30, 40 फेल हो गया। तो 60 दोनों में क्या हो जाएगा, पास। और जो 60 दोनों में पास हो जाएगा भैया, जो गोला बनाए होंगे फेल का बनाए तो फेल पहले आएगा, बाकी 100 बनना चाहिए। तो 60 दोनों में पास हो गया तो 100% आपका 240 हो गया, ऑल क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सभी लोग बढ़ेंगे, ये सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट बहुत अच्छे से आ रहा रत्नेश, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिक्षमता यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कह लीजिए, और 70% जीके में पास हुए, 64% दोनों में पास हुए, 6300 दोनों में फेल हुए, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ डाटा सेम है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सब पास का डाटा दिया है, पास का डाटा दिया, ये क्वांट हो गया, ये क्वांट का मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया बच्चों, और ये जीके हो गया, जनरल नॉलेज हो गया। आप देख लीजिए इसमें 64% दोनों में पास हैं, तो 64% दोनों में पास आप भर लीजिए, क्वांट में 73 है तो 64 × 9 = 73 हो जाता है, और अगर आप देखिए उधर 70 जीके में भरना है तो ये 6 हो जाता है। ये आप पास का डाटा बनाए हैं, तो पास आप देख लीजिए 64, 6, 70 और 9, 79% कहीं ना कहीं पास है, इसका मतलब 21% जो है वो दोनों में फेल है, और 21% जो दोनों में फेल है बच्चे वो 6300 के बराबर है। तो 100% 21 × 63 हो जाएगा 00, और 00 और बढ़ा देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 30,000। तो 30,000 आपका राइट आंसर है, 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है, 2 सेकंड के अंदर बहुत सही से आंसर निकल जाएगा, टोटल 100% मान के चलना है, ठीक है। तो 21% आपका बच रहा जो दोनों में फेल है, बाकी पास वाला डाटा आप बना ही लिए हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में, 85 गणित में, 75% दोनों विषयों में पास हुए। तो देखिए ये पिछले सवाल की तरह आप सभी लोग बना लेंगे मुझे उम्मीद है, और मैं बना दे रहा हूं खुद फटाफट, 2 सेकंड का काम लगेगा। कहा जा रहा है 75% दोनों में पास, तो 75% दोनों में पास हो गए, 80 यहाँ पे है तो 5 बचेगा, और 85 यहाँ पे है तो 10 बचेगा, ये कहीं ना कहीं पास है। तो 75, 10, 85, 5, 90 कहीं ना कहीं पास है, तो 10% दोनों में फेल है, और 10% जो दोनों में फेल है वो 45 है, तो 100% 10 गुना वैल्यू बढ़ रही है, 450, 2 सेकंड के अंदर आंसर 450 इज राइट आंसर, ठीक है, 450 हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। जल्दी से फटाफट, अरे कहां भाग रहे हो, बहुत सारे लोग लाइव यहां नहीं है, भागते चले जा रहे हैं। चलिए ठीक है, अगला आप आ जाइए, अगले वाले सवाल पे चले आइए, सब वर्बली है, मुंह जबानी सवाल है, या दो दो लाइन के सवाल है। ये देखिए आपका सवाल थोड़ा सा अलग होकर के आया है, इस सवाल को आप ध्यान से देखिएगा, इस सवाल में थोड़ा सा दम है, दम थोड़ा सा है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेने का। आप देखिएगा,
कंपनी के कर्मचारियों में से 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44 कर्मचारी कॉफी पीते हैं। यदि उनमें से प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी में से एक अवश्य पीता हो तो बताइए, 40 कर्मचारी चाय और कॉफी दोनों पीते हो तो कंपनी में कुल कितने कर्मचारी है। इसमें आपको लग रहा होगा सर कॉमन तो नहीं दिया है, अभी तक तो कॉमन देता था लेकिन अब तो कॉमन ही नहीं दिया है, तो अगर कॉमन नहीं दिया है तो टेंशन नहीं लेना। ये बहुत बढ़िया आपको मेथड बता देते हैं कि कॉमन नहीं दिया तो कॉमन 100% आप मानिएगा। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से इस सवाल को समझाता हूं कि मान लिया कि हमारे साथ ऑनलाइन में 100 बच्चे जुड़े, 100 टोटल, 100 बच्चे माने 100% हो गया टोटल। अब मैंने कहा बेटा कितने लोग चाय पियेंगे, तो यहाँ पे 72 लोगों ने हाथ उठाया, सर हम चाय पियेंगे। मैंने कहा बेटा आप लोग आए हैं कितने लोग कॉफी पियेंगे, तो 44 लोगों ने कहा सर हम कॉफी पियेंगे। हमने ऑर्डर को बटोर लिया, इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा कर लिया ऑर्डर, और ऑर्डर इकट्ठा करके देखा क्या कि 4, 2, 6, 7, 4, 11 116 ऑर्डर आए, और बच्चे कितने थे, तो ये 16 कौन है, ये 16 कौन है जो चाय में भी हाथ उठाए थे और वो लालची दास कॉफी में भी हाथ उठा लिए, क्योंकि उनको तो पता था गुरुजी जान ही नहीं पाएंगे। वो पहले चाय मैंने पूछा तो 72 लोग हाथ उठाए, कॉफी मैंने पूछा 44 लोग हाथ उठाए, तो मेरा आर्डर तो भैया 100 लौंडे आए हैं तो 100 ही होना चाहिए ना, ये 16 टू बढ़ कहां रहा है। तो आप कहेंगे 16 जो बढ़ रहा है वो दोनों वाले हैं, जो 16 बढ़ रहा है वो दोनों वाले हैं, और इस सवाल में वो 16% की वैल्यू 40 के बराबर है, 16 यूनिट जो आपका बढ़ रहा है वो 40 के बराबर है, तो टोटल 100% यानी कि 100 बच्चा माने हो तो 40/16 गुड़े आपका 100 हो जाएगा। 4 चौक 16, 4 दहम 40, 4 25, 100 25, दहम 250, ये आंसर 2 सेकंड के अंदर आ गया। ठीक है, सिस्टमेटिक लगा दूं आपके लिए, सिस्टमेटिक लगा दूं कि चाय प्लस कॉफी, बढ़िया से लिख देता हूं सुंदर शब्दों में, चाय तथा कॉफी दोनों पीने वाले, चाय तथा कॉफी दोनों पीने वाले। तो आप कहेंगे सर ये 72 + 44 जोड़ के कॉमन जब जब ना दे कितना मानेंगे, 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 116 - 100 = 16%, 16% कॉमन है, और ये 16% जो दोनों पीने वाले हैं वो 40 लोग हैं, तो 100% कितना हो जाएगा, 40/16 गुणे कितना हो जाएगा 100, 4 चौक 16, 4 दहम 40, 4 से काटेंगे 25, और 25 दहम कितना आ जाएगा 250, ये 250 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिस्टमेटिक बना दिया 250, समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, 250 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सभी लोग बढ़ेंगे। स्पीड के साथ करेंगे अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे आ रहा है। यही सवाल फिर से आ गया क्या, 72% ही डाला है, ये वाला तो बता दिए, 72/44 यही डाला है, यही लगाए, नष्ट कर दीजिए, कोई बात। हाँ अगला सवाल देखिए, हाँ हाँ गर्दा हो गया रत्नेश, अरे अगले को गर्दा बना दो बच्चा। 90% अंग्रेजी में, 85% गणित में, 150 दोनों में, यहां भी कॉमन नहीं दिया है, तो दोनों वाला कैसे निकालेंगे, तो 90 जोड़ के इसमें 85 जोड़ के पास, और यहां कॉमन 100 मान लेना, 175 - 100 = 75 हो जाएगा, और 75% जो दोनों में पास है बच्चों वो सवाल में दिया है कितने के बराबर, 150, तो 100% बराबर हो जाएगा, 100% बराबर 75 × 150, 1% पे 2 आएगा तो 100% पे कितना आ जाएगा, 200, खत्म। 75% पे 150, तो 1% पे मुजबानी कैलकुलेट किया करो, ऐसे नहीं कि आप इंतजार करो, एक एक नियम लगाओ दुनिया भर का पोथन्ना ला दो, है ना, 75 = 150, तो 1 = मन में 2, 1 = 2, तो 100 = कितना, 200, खत्म, ऐसे होता सवाल। ठीक है, 200 हो जाएगा। ठीक है, 2 सेकंड, अरे पेन ही नहीं चलाना है आपको, भूसी बना देना इन सारे सवालों को। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। ये सवाल देखिए बहुत बढ़िया सवाल आया है कि 80 छात्रों की एक कक्षा में, इस सवाल पे थोड़ा थम के, थोड़ा रुक के आराम से। ठीक है, सवाल में क्या लिखा है बेटा, सवाल में क्या लिखा है पढ़ना जरा, तो लिखा है बच्चा कि 80 छात्रों की एक कक्षा में 45% हिंदी बोलते हैं, तो कुल छात्र आपको दिया है 80। चलिए अब आइए हम लोग यहां पर डाटा तैयार करते हैं, एक एक डाटा क्लियर करते हैं,
इस सवाल को प्यार से बताऊंगा, लेवल बढ़ा है, हिंदी बोलने वाले आपके पास हैं 45, 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, केवल अंग्रेजी। केवल अंग्रेजी वाले 40। यदि किसी भी भाषा को नहीं बोल पाने वाले छात्रों की संख्या उन छात्रों की संख्या के बराबर है जो दोनों भाषा बोलते हैं, दोनों भाषा बोलने वाले, ये नहीं पता है लेकिन मैं आपको मान के बता देता हूं कि यक्ष है, और कोई भाषा ना बोलने वाले भी इसी के बराबर है। कोई भाषा ना बोलने वाले की संख्या दोनों भाषा बोलने वालों के बराबर है, यानी कि कोई भाषा ना बोलने वाले भी कितने हो जाएंगे, यक्ष हो जाएंगे। अब यहां से कहा जा रहा है तो केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या बताइए। आइए मैं सवाल का डायग्राम सेट करता हूं, बोलने वालों को सेट करता हूं। पहला हो गया हिंदी, दूसरा कर लेते हैं इंग्लिश। अब सवाल का डाटा सब कुछ है, देखिए एक लाइन से फिर से मिलाते हैं कि 45% हिंदी बोलते हैं, हिंदी में 45 भरना है, केवल अंग्रेजी, ये वर्डिंग ध्यान देना, केवल अंग्रेजी। केवल अंग्रेजी का मतलब ये अंग्रेजी का ही सिर्फ हिस्सा, केवल अंग्रेजी, ये सिर्फ इतना है, केवल अंग्रेजी 40। यक्स परसेंट जो है वो दोनों भाषा बोलने वाले हैं। अब अगर हिंदी में भरेंगे तो 45 भरना है, 45 में से एक्स आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। और ओवरऑल आप सबको पता है कि ओवरऑल हमारा 100% होता, लेकिन सुनिएगा एक बात आपको मैं बता दूं कि ये जो आपने गोला बनाया है ये बोलने वाले को भरा है, ये बात ध्यान देना। केवल अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी का मतलब केवल वाला वर्ड इसलिए पहले सवाल में समझाया था, तो केवल अंग्रेजी वाला 40 हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा बोलने वाला यक्स हो जाएगा, हिंदी बोलने वाला 45 माइनस एक्स हो जाएगा। इतने लोग तो बोलने वाले हो गए, अब बाकी ना बोलने वाला कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो ना बोलने वाला आपका बाहर चला गया। और सबको जोड़ करके कितना परसेंट मैंने सिखाया, 100%, यही तो पढ़ाया भैया, गोले में बोलने वाले हो गए तो ना बोलने वाले गोले से कहां चले जाएंगे, बाहर, तो बाहर चले गए, ये हो गए। अब आप इनको सबको जोड़ लीजिए तो 45 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 40 प्लस एक्स बराबर टोटल जोड़ के 100% के बराबर, यक्स यक्स चला जाएगा, आपका हो जाएगा इधर वाले एक्स बराबर उधर 85 हो जाएगा, 85 उधर चला जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 15%। तो 15% हो गया दोनों बोलने वाले, लेकिन सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, सवाल में पूछा जा रहा है केवल हिंदी बोलने वाले, तो केवल हिंदी वाला जो गोला आपको दिखाई पड़ रहा है, केवल हिंदी बोलने वाला गोला दिखाई पड़ रहा है, अरे बोलिए ना, केवल वाला मैंने आपको पढ़ाया है, केवल का मतलब सिर्फ हिंदी वाले से मतलब रखिएगा, 45 माइनस एक्स, 45 माइनस 15 बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा भैया, 30%। तो केवल हिंदी बोलने वाले 30 से संख्या निकालेंगे तो 80 का 30% निकालेंगे, 80 × 30 / 100, 8 × 3 = 24, यानी कि 24 बच्चा, तो केवल हिंदी बोलने वाले कितने बच्चे आ जाएंगे, 24 बच्चे। ये रहा दमदार और बेहतरीन सवाल, 24, बिल्कुल अमरजीत जी बहुत बढ़िया, 24, ये रहा दमदार और बेहतरीन सवाल, ठीक है। सबको समझ में आया कैसे लगाते हैं, वेन डायग्राम कितने बढ़िया से मैंने सेटल करके सिखाया, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैं 100 क्यों बनाता था, है ना, क्योंकि इसका बड़ा फायदा है। अब यहाँ पे बोलने वाले दोनों एक्स है, केवल अंग्रेजी वाला 40 है, हिंदी बोलने वाला 45 है, तो 45 में से कॉमन निकालेंगे तब केवल हिंदी वाला आएगा। और अब ये बोलने वाले अगर यहाँ पे सेट हो गए गोले में तो बाकी ना बोलने वाले कहाँ चले जाएंगे, बाहर, तो ना बोलने वालों की संख्या जो है दोनों बोलने वालों संख्या की क्या है, बराबर है, यही तो बोला है ना कि दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या कोई भाषा ना बोलने वालों के बराबर है, ठीक है। ओवरऑल पूरा गोला कितने का बनेगा, सब कुछ जोड़ के आया 100% का, 100% जोड़ के मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दिया। अब यहां पे केवल हिंदी वाला 45 में से 15 घटा देंगे 30 आएगा, और 80 का 30% निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए वाला हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सबको समझ में आया कमेंट कर दीजिए आप अपनी वाली, जो भी आपको लग रहा हो आया या नहीं आया, नहीं आया तो वीडियो एक बार फिर से आप देखिएगा, दोबारा से आ जाएगा।
समझ गए ना? ठीक है, अब देख लीजिए ये सवाल। किसी परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में, 55% छात्र अंग्रेजी में पास हुए। यह ज्ञात है कि दोनों में असफल छात्रों की संख्या उन छात्रों के मुकाबले 2 गुनी है जो दोनों में पास हुए। एकदम उसी तरीके का सवाल आ रहा है, जो दोनों में पास हुए उनकी 2 गुनी है। यदि दोनों विषयों में 16 छात्र फेल हो गए हों तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या का पता लगाइए। ठीक है, कितना बेहतरीन, अच्छे लेवल का सवाल है। चलिए, दुर्गेश जी कह रहे हैं 160 है। चलिए मैं देखता हूं क्या है। देखिए, पहले डाटा दिया है 40% हिंदी में, 55% अंग्रेजी में पास हुए। तो भैया हिंदी अंग्रेजी के नाम दो गोला बना दीजिए। ये हिंदी के नाम हो गया गोला, ये अंग्रेजी के नाम गोला हो गया। अब यहां पे कहा जा रहा है कि दोनों में असफल छात्रों की संख्या उनकी दुगुनी है जो दोनों में पास है। दोनों में पास नहीं, पता है, यक्स मान लेते हैं, दोनों में फेल हो जाएंगे, कितने, 2 यक्स। बोले कोई आपत्ति है, बाहर चले गए। तो दोनों में पास, पास वाला कॉमन आपने यक्स मान लिया, बाकी जो दोनों में फेल है वो बाहर भरे जाएंगे, तो दोनों में फेल वाले कितने हो गए, 2 यक्स हो गए। अब फिर से भर दीजिए, 40% हिंदी में भरना है, तो हिंदी में आपका यक्स भरा हुआ है, 40 में से एक्स हो जाएगा घटा के। अंग्रेजी में कितना भरना है, 55, तो 55 में से आपका एक्स घटा के हो जाएगा। ओवरऑल सबको जोड़ के 100% होता, तो यक्स यक्स ये कट जाएगा भैया, और ये हो जाएगा 40 और 55 95, और माइनस एक्स बचेगा वहां से, और यहां से +2x बराबर 100 हो जाएगा। तो यक्स बराबर हमारा हो गया 5। यक्स बराबर हो गया कितना, 5। यक्स की वैल्यू अगर 5% आ गई तो दोनों में फेल जो आएंगे वो 2x है। तो दोनों में फेल की अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये 2x है, यानी कि 2 गुणे 5 बराबर दोनों में फेल 10%, और दोनों में जो 10% फेल है वो बराबर किसके है, 160 के। तो 100% टोटल की, सॉरी, वो 16 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 10 गुना वैल्यू बढ़ गई, 160। 160, 160 इज राइट आंसर, 160 इज राइट आंसर, 160। ठीक है, 160। अब दो लोगों वाला बेन डायग्राम लगभग लगभग आपका क्लियर हो रहा होगा, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, उसमें तो सबको अब समझ में आ ही रहा होगा। अब ये तीन लोगों वाला डायग्राम आपका बचता है, तीन लोगों वाला डायग्राम आपको बता देते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छे सवाल थे, सब एक अच्छे लेवल के सवाल हैं, आपके यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये सारे सवाल। चलिए, तो अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन सर लगा दीजिए। चलिए ठीक है, तो भाई आज की क्लास तो यहां पे खत्म होने वाली है, क्योंकि 7 बजने को है, और हमारी क्लास आज 5 मिनट थोड़ा लेट भी स्टार्ट हुई थी, बाकी 6 से 7 रहती जैसा कि आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो अब कल मिलेंगे। एक तीन लोगों वाला वेन डायग्राम देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे सवाल लगा हुआ है, इसको एक बार आप लगाइएगा। आपके सामने स्क्रीन पे सवाल लिखा हुआ है, एक बार आप इसको लगाने की कोशिश करिएगा, सभी लोग लगाने की कोशिश करिएगा, और मैं मिलता हूं जब अगली क्लास में, तो ये सवाल तीन लोग वाला सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो तीन तीन लोग वाला वेन डायग्राम कैसे बनता है ये समझा देंगे, और फिर इसके आगे के प्रश्नों को हल कराएंगे। तो परीक्षा लगभग खत्म है, आपके लेवल पे आप कहीं से भी क्वेश्चन बनाएंगे फिट है, सब लग जाएगा। चाहे आप एच डी यादव लगाइए, आर एस अग्रवाल लगाइए, किरण लगाइए, जो भगवान आपको दिए हो जहां से मिले वहां से लगाइए, कहीं से कोई तकलीफ नहीं होगी। बाकी जो बचा है मैं आपको कल तीन लोगों वाला करवा देता हूं। ठीक है, लग जाएगा ना, बढ़िया से नोट्स बनाते रहो और रिवीजन करते रहो, वीडियो बार बार देखते रहो बच्चा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तीन लोगों का वेन डायग्राम, और बाकी अगला जो होगा हमारा चुनाव उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, इतना आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना।